नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वार्ड क्रमांक 43 में नलकूप खनन कार्य का भूमि पूजन क्षेत्रीय पार्षद MIC सदस्य के साथ गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया। 54 वार्डों में नलकूपों का खनन कार्य निगम अध्यक्ष मद से राशि ₹77.85 लाख की लागत से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करवाया जा रहा है। यहां वर्तमान में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। बोरिंग खनन से क्षेत्र वासियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय सभापति श्रीमती कलावती जी ने 54 वार्ड में बोरिंग मंजूर किए हैं, उसकी आज शुरुआत उज्जैन में वार्ड क्रमांक 43 से हुई है। इस अवसर पर महापौर श्री मुकेश टटवाल जी, दीदी कलावती दीदी, नगर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, हमारे अपने सभी भाजपा के पार्षदगण, MIC के सदस्यगण, निगम आयुक्त, हम सब ने मिलकर के भूमि पूजन करके कार्य की शुरुआत की है। मुझे इस बात का संतोष है कि नगर निगम लगातार विकास के कामों को बढ़ावा दे रही है और आज की सौगात मिल रही है कि जहाँ पानी की कमी है या लाइन में भी कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे में ट्यूबवेल उसकी बड़ी मदद करेंगे। उम्मीद करूंगा ये क्रम जारी रहेगा, सभी वार्डों में सौगात देने के लिए बने। उज्जैन के प्राणघातक हमले में फरार आरोपी को पुलिस ने लाल पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पिछले 2.5 माह से फरार आरोपी सूरज उर्फ बारिक सूरज बारिक कानीपुरा रोड पर बैठा हुआ है। पुलिस वहां पहुंचे तो वह वहां से फरार हो गया और भागकर लाल पुल पर यहां पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो आरोपी ब्रिज से नीचे कूद गया। गिरने की वजह से उसे चोट आई है। घायल अवस्था में आरोपी को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। पुलिस लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी। 2.5 महीने से फरार था। एक 307 का अपराध इसने नीलगंगा थाना में किया था, जिसके तारतम्य में पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी और ये आज लालपुर ब्रिज के पास हमें इसकी सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि ये वहाँ पर होने की आशंका है। पुलिस टीम को जैसे ही वहाँ पहुँची तो देखकर भागने लगा था, तो इस बीच में उसे थोड़ी चोट भी आई है, तो उसे गिरफ्तार अभी यहाँ पर अस्पताल लाया गया है और अभी उसका उपचार जारी है। और इस पर इसने लगभग 12-13 अपराध भी इसमें पूर्व में पंजीबद्ध हैं और उनकी जानकारी और इकट्ठा की जाएगी। हाँ बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी इसके मतलब अपराधों की पूरी लिस्ट निकाल रहे हैं, फिर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई कर वाहन को जब्त किया गया था। पूरे मामले में DCP अभिषेक आनंद का कहना है कि वाहनों को जब्त कर न्यायालय में चालान पेश किया गया है, जहां से उन्हें ₹1000 का चालान की कड़ी कार्रवाई की जाए, इस ओर ध्यान दिया गया है। यदि उनके द्वारा पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तो उनके लाइसेंस निरस्तीकरण को लेकर भी आगे कार्रवाई कर एक नजीर पेश की जाएगी। थाना विजयनगर और ये जोन 2 के अन्य थानों में भी जो लगातार जो इस तरह से शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। इसी के तहत जो एडिशनल DCP राजेश व्यास और ACP विजयनगर और अन्य थानों का बल है, उन्होंने एक भारी मात्रा में हमने जो फ्राइडे सैटरडे संडे सभी जो वीकेंड जिनको बोलते हैं उन पर जो शराब का सेवन करते हो तो उन 185 और मोटर व्हीकल के अन्य धाराओं के तहत अपने प्रकरण पंजीबद्ध किया। टोटल 25 से ऊपर वाहन जब्त किए गए हैं इसमें और सभी को न्यायालय सभी जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे इस प्रकार से। उसके तहत जो है न्यायालय के माध्यम से प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पर चालानी कार्रवाई की जाए। और ये साथ में इंदौर पुलिस एक संदेश भी देना चाहती है सभी लोगों को कि इस तरह से शराब पी करके वाहन न चले। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने अब तक के अपने सबसे बड़े 250 करोड़ रुपए का बजट बोर्ड बैठक में पारित किया है। इसमें 228 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं उज्जैन विकास प्राधिकरण नई आवास योजना और बनाएगा। नई कॉलोनियों में प्राधिकरण छोटे पार्क की जगह अब बड़े पार्क सिटी फॉरेस्ट की तर्ज पर बनाएगा। ISBT ट्रांसपोर्ट इंदौर की तर्ज पर विक्रम नगर में बनाया जाएगा। नानाखेड़ा क्षेत्र में आकर्षक 56 दुकान की तरह खाने पीने की 33 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल की आज पहली बोर्ड मीटिंग थी, बहुत ही हेल्दी वातावरण में पूरी मीटिंग हुई, सारे विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण एक विषय है कि अभी तक हमारा बजट प्राधिकरण का 122 करोड़ रुपए था, इस बार बजट हमने बढ़ा करके जस्ट डबल से ज़्यादा 250 करोड़ से ऊपर हमने किया हुआ है।
और मेरा ऐसा मानना कि जितना हमने बजट किया है उससे कहीं ज़्यादा ही होने वाला है, पर उसमें कमी आने वाली नहीं है। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।